Hi everyone, ये microcontroller 8051 series का second part है और इस part में हम microcontroller 8051 का architecture detail में discuss करेंगे. हम शुरू करेंगे microcontroller के features से. ये microcontroller 8 bit का एक processor है. इसका मतलब है ये 8 bit length के data पे प्रोसेस कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है और स्टोर कर सकता है. इसके पास 4K की रोम और 128 बाइट की रैम ऑन चिप है और अगर हमें और मेमोरी स्पेस चाहिए तो हमको एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करनी पड़ेगी. इसके पास दो 16 बिट के टाइमर्स हैं. टाइमर्स नॉर्मली हम यूज करते हैं आइदर एज काउंटर्स या वी यूज इट फॉर डिले कैलकुलेशंस. ये दोनों टाइमर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं. 8051 के पास 4 आईओ पोर्ट्स हैं, दैट इज हम इसके साथ 4 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. जब हमको एक्सटर्नल मेमोरी यूज करना होती है उस केस में इन 4 आईओ पोर्ट्स में से 2 आईओ पोर्ट्स जो हैं वो एड्रेस डेटा बस के लिए यूज किए जाते हैं. अगर माइक्रोकंट्रोलर से हमें सीरियल डिवाइस कनेक्ट करना है तो इसके पास एक सीरियल पोर्ट भी है, प्लस माइक्रोकंट्रोलर 8051 जो है वो 6 इंटरप्ट्स को 6 इंटरप्ट्स को सपोर्ट करता है. इन 6 इंटरप्ट्स में 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं, 3 इंटरनल इंटरप्ट्स हैं और एक रीसेट है. नॉर्मली रीसेट को हम इंटरप्ट्स में लिस्ट नहीं करते हैं, पर अगर हम रीसेट का फंक्शन देखें, जब भी माइक्रोकंट्रोलर को हम रीसेट करते हैं तो माइक्रोकंट्रोलर अपनी नॉर्मल प्रोसेसिंग छोड़कर अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाता है. दैट इज माइक्रोकंट्रोलर रीसेट से इंटरप्ट होता है और यही रीजन है कि उसको इस स्लाइड में इंटरप्ट्स के फीचर में लिस्ट किया हुआ है. लास्टली माइक्रोकंट्रोलर के पास एक ऑन चिप क्लॉक ऑसिलेटर है और इसको एक एक्सटर्नल क्लॉक देनी पड़ती है रन करने के लिए. अब हम 8051 का ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे. जो फीचर्स हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए हैं वो सारे ब्लॉक डायग्राम में इंक्लूडेड रहेंगे. तो हम शुरू करते हैं सीपीयू से. सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सारा कंट्रोलिंग और ऑपरेशन जो है 8051 का वो इस ब्लॉक से होता है. इस ब्लॉक को एक क्लॉक चाहिए ऑपरेट करने के लिए, रादर पूरे माइक्रोकंट्रोलर को ही वर्क करने के लिए इट नीड्स अ क्लॉक. तो ऑन चिप एक ऑसिलेटर है जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था और उस ऑसिलेटर के साथ हम एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं. पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल कनेक्ट करने से ये ऑसिलेटर क्लॉक पल्स देता है जिस पे माइक्रोकंट्रोलर ऑपरेट करता है. फिर ये एक इंटरनल बस है आईसी के अंदर जिससे आईसी के सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्ट होते हैं. इसके पास एक ऑन चिप रोम है. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, जैसे पहले बताया. रोम में पूरा प्रोग्राम स्टोर्ड रहता है इसलिए इसको कोड मेमोरी भी बोला जाता है. फिर इसके पास ऑन चिप रैम भी है. रैम में नॉर्मली जिस डेटा पे ऑपरेट करते हैं उसको स्टोर करते हैं इसलिए रैम को डेटा मेमोरी भी कहते हैं. जैसे पहले डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, इसके पास 2 टाइमर्स हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, और प्लस इस पे काउंटर इनपुट पल्सेस भी आ रही हैं. जब टाइमर एज डिले डिवाइस ऑपरेट होता है तो वो इंटरनल क्लॉक पे काम करता है, सीपीयू की क्लॉक पे काम करता है, पर ये टाइमर जब एज काउंटर्स वर्क करते हैं तो हम इनको एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड करते हैं काउंटिंग के लिए. फिर नेक्स्ट ब्लॉक है आईओ पोर्ट्स. इसके पास 4 आईओ पोर्ट्स हैं, P0, P1, P2 एंड P3. और अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज करते हैं तो इनमें से 2 आईओ पोर्ट्स P0 और P2 ये एड्रेस और डेटा बस की तरह काम करते हैं. जब एक्सटर्नल मेमोरी इससे कनेक्ट की जाती है तो एक्सटर्नल मेमोरी को जो कंट्रोल सिग्नल्स लगते हैं
वो कंट्रोल सिग्नल इस बस कंट्रोल ब्लॉक जो है इससे जनरेट किए जाते हैं। द सिग्नल्स आर PSEN बार एंड ALE। ये सिग्नल्स हम डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पिन डायग्राम डिस्कस करेंगे। फिर अगर सीरियल डिवाइस कनेक्ट करना है तो इसके पास एक सीरियल पोर्ट है, TXD एंड RXD, ट्रांसमिट डेटा एंड रिसीव डेटा। ट्रांसमिट डेटा यानी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सीरियल डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करता है, और रिसीव डेटा यानी माइक्रो कंट्रोलर सीरियल डिवाइस से डेटा इनपुट करता है। लास्ट में इसके पास एक इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक है जिसके थ्रू एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के पास आते हैं। तो ये माइक्रो कंट्रोलर का कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम हो गया जो हमने डिस्कस किया। अब हम इसका इंटरनल आर्किटेक्चर को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम शुरू कर रहे हैं पावर और ग्राउंड, ये दो इंपॉर्टेंट पिन्स हैं, ये दो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं जो माइक्रो कंट्रोलर को रन करने के लिए जरूरी हैं। उसके बाद है इसके पास टाइम एंड कंट्रोल यूनिट। ये माइक्रो कंट्रोलर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम एंड कंट्रोल यूनिट, बिकॉज ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है और सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इस पे आप देखेंगे चार इनपुट्स हैं, रीसेट है, EA बार है, PSEN बार है, ALE है। इसमें से जो RST सिग्नल है, दैट इज द रीसेट सिग्नल, ये माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी जो तीन सिग्नल्स हैं ये तब यूज़ किए जाते हैं जब माइक्रो कंट्रोलर को एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरफेस किया जाता है। तो ये सिग्नल हम डिस्कस करेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग के टाइम। फिर इसमें एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस को फेच करके स्टोर करता है, डिकोड करता है, और टाइम एंड कंट्रोल यूनिट अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। ऑन चिप ऑसिलेटर है जो क्लॉक प्रोवाइड करता है माइक्रो कंट्रोलर को रन करने के लिए, और ऑसिलेटर से कनेक्टेड है क्रिस्टल जिसके थ्रू ऑसिलेटर क्लॉक जनरेट करता है। फिर नेक्स्ट दो ब्लॉक्स ये हैं, ये पोर्ट्स हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। जैसे पहले डिस्कस हुआ इसके पास चार पोर्ट्स हैं, चारों 8 बिट के पोर्ट्स हैं, 8 बिट पोर्ट्स हैं। तो यू कैन सी हियर P1.0 to 1.7, P0.0 to 0.7 एंड सो ऑन। चारों पोर्ट्स के पास लैच है और ड्राइवर है। लैच यूज करते हैं पोर्ट्स की प्रोग्रामिंग के लिए, उसको इनपुट पोर्ट बनाना है या आउटपुट पोर्ट, और ड्राइवर यूज करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस को करंट प्रोवाइड करने के लिए। ड्राइवर्स आर बेसिकली बफर्स, या हम उसको कहते हैं करंट एम्पलीफायर्स। तो आउटपुट डिवाइस को ड्राइव करने के लिए हम ड्राइवर्स का यूज करते हैं। उसके बाद है रैम। रैम के साथ कनेक्टेड है रैम एड्रेस रजिस्टर। रैम एड्रेस रजिस्टर का फंक्शन है रैम को एड्रेस प्रोवाइड करना, जिस एड्रेस से रैम पे या तो डेटा राइट होगा या रैम से डेटा रीड होगा। तो बेसिकली रैम एड्रेस रजिस्टर जो है रैम की किसी एक लोकेशन को इनेबल करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हमारे पास रोम है। रोम इज रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टोर्ड है। तो हमारे पास है प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर, ये एड्रेस प्रोवाइड करेगा रोम को, ताकि रोम से प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सके। अब प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर को एड्रेस प्रोवाइड करेगा प्रोग्राम काउंटर, वो भी 8 बिट रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर हमेशा स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रोम से हमको रीड करना है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है। और प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट, ये प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को इंक्रीमेंट करता है अकॉर्डिंगली, जैसे हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है उस हिसाब से। फिर एक रजिस्टर है DPTR रजिस्टर्स, डेटा पॉइंटर रजिस्टर। जब मोस्टली जब हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस जो है वो DPTR में रहता है। DPTR एक रजिस्टर है जो 16 बिट रजिस्टर्स हैं, बाकी सारे रजिस्टर्स जो अभी तक हमने पढ़े दे आर ऑल 8 बिट रजिस्टर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम 64K की एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, और 64K की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए 16 बिट का एड्रेस चाहिए। इसलिए DPTR एक्चुअली दो रजिस्टर्स से मिलकर बना है, DPL और DPH,
जो दोनों 8-8 बिट के रजिस्टर्स हैं। ये बाकी रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर बी है। रजिस्टर बी जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशन में एक्यूमुलेटर के साथ मिलके दूसरा ऑपरेंड देता है, यानी एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में रहेगा, एक रजिस्टर बी में रहेगा, और दोनों ऑपरेंड्स पे फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड का ऑपरेशन होगा। एक्यूमुलेटर जो है ACC वो ALU का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो रिजल्ट है वो हमेशा एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। और एक्यूमुलेट जो ALU है वो दो ऑपरेंट्स पे ऑपरेट करेगा, तो एक ऑपरेंट टेम्पररी 1 रजिस्टर में स्टोर रहेगा और दूसरा टेम्पररी 2 रजिस्टर में स्टोर रहेगा। एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट आएगा, किसी ऑपरेशन का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के हिसाब से ये PSW रजिस्टर अपडेट होता है। PSW स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इसमें फ्लैग्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, रिजल्ट के हिसाब से ये फ्लैग्स जो है वो अपडेट होते हैं, चेंज होते हैं। लास्ट हमारे पास है इंटरप्ट सीरियल ब्लॉक एंड टाइमर ब्लॉक। माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट एक सीरियल पोर्ट है, दो टाइमर्स हैं और इंटरप्ट्स हैं, तो ये तीनों का कंट्रोल जो है वो इस ब्लॉक के थ्रू है, प्लस ऊपर SFR लिखा हुआ है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। तो इन इस ब्लॉक से रिलेटेड जो SFRs हैं, जो एक्चुअली रैम का ही पार्ट होता है, वो SFRs जो हैं वो यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। SFR इज फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इंटरनल आर्किटेक्चर 8051 का। अभी हम और डिटेल में इन ब्लॉक्स को स्टडी करेंगे, जैसे पोर्ट्स हैं, टाइमर्स हैं, सीरियल हैं, तो वो आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में एक एक ब्लॉक को स्टडी करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस सीरीज। अब हम आते हैं पार्ट टू के क्वेश्चंस पे। तो दीज आर दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, और हमारे पास है आंसर्स किसके, पार्ट वन में जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो इस स्लाइड में दिए हुए हैं। तो यू कैन गो थ्रू ऑल द आंसर्स एंड चेक योर आंसर्स, और आप देख सकते हो आपको कितना समझ में आया है। तो यू कैन टेस्ट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्टेक 2018 फॉर मोर सच वीडियोज, एंड कीप वॉचिंग दिस सीरीज टू बी एन एक्सपर्ट इन माइक्रो कंट्रोलर 8051।